अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप सबको खुश आमदीद। आज मैं बनाऊंगी तिल की चिक्की, जिसके लिए मैंने 1.25 कप तिल लिए हैं। ठीक है, हाफ कप मैंने लिया है गुड़, और 1/4 लिए मैंने शुगर, एक ट्रे लिए ग्रीस हुई हुई ट्रे है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होगा, मैं फ़ौरन इस पे सेट करना होगा, एक नाइफ, और थोड़ा सा ही मैंने इसमें कटिंग करके रखा था बादाम और पिस्ता। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ ले लिया मैंने पैन, जिसमें सबसे पहले मैं शुगर डालूँगी, फ्लेम लो है इसकी अभी। इसको हम चलाते रहेंगे जब तक ये मेल्ट नहीं होती। ठीक है, जैसे ये मेल्ट होगी फिर हम इसमें आपको आगे बताऊंगी क्या करना है। अच्छा, ये देखें इतना सा ये मेल्ट हुआ है, अभी पूरा सही मेल्ट नहीं हुआ है। इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, 2 टेबल स्पून। ठीक है, और इसमें हम ऐड कर देंगे ये सारा गुड़। अब हम इसको अच्छी तरह से बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख देंगे, बस अब ये गुड़ भी मेल्ट होता रहेगा। इसमें ये 2 टेबल स्पून और है, वो भी ऐड कर रही हूँ ताकि ये जल्दी मेल्ट हो जाए। ठीक है, बस इनफ। कैमरा मैं दूर कर लूँ क्योंकि इसमें ये बहुत ज़्यादा हॉट हो रहा है, तो कैमरा ख़राब ना हो जाए मेरा। अच्छा जी, ये मेल्ट हो गया है, इसमें हल्की हल्की सी थोड़ी थोड़ी सी चीनी, थोड़ी देखें ये थोड़ा थोड़े से पीस बचे हैं जो मेल्ट नहीं हो रहे, तो मैं निकालूंगी नहीं, इसी में रहने दूंगी। सही है, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये पूरा तिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको जल्दी से करना है हमें मिक्स। फ्लेम कर दूंगी मैं ऑफ। अच्छा जी, ये मैंने इस तरह से पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको गरम गरम ही ट्रे में निकालूंगी, तो क्योंकि हमें कतलियाँ बनानी, कटिंग करनी है। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्लेम ऑफ कर दें। ये ट्रे में निकालूंगी, जल्दी जल्दी हमें इसे प्लेन करना है, पतला पतला, ताकि हम इसके पीसेस कर सकें। इस तरह दबाना है क्योंकि बहुत हॉट हो रहा है, हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है। पहले मैं इसको सेट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसके अंदर प्लेन कर लिया है, फैला लिया है। ठीक है, अब हम इसके गील अभी गर्म गर्म में ही कटिंग कर देंगे, ताकि इसके स्लाइसेस बन जाए, वरना ये बनेगी नहीं। ये भी गर्म हो रहा है, ये
अच्छा, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा बादाम या पिस्ता जो भी आप चाहते हैं वह स्प्रिंकल कर दें। इसे हम पंखे के नीचे रख देंगे, फ़ैन के नीचे रख देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो, और हार्ड हो जाएगा ठंडा होते ही है। अच्छा जी, अब इसको निकालने का टाइम आ गया है, ड्राई हो गई है। ठीक है, मैं कटिंग करते जाऊंगी, निकालते जाऊंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टूट गई है, बिस्मिल्लाह। इसमें थोड़ा बहुत तो टूटता है क्योंकि घर का बना हुआ है, लेकिन घर का बनी हुई चीज़ अच्छी होती है। मैं सबकी कटिंग करके निकाल के दिखाती हूँ आपको। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने कटिंग करके निकाल लिए, पीसेस कर लिए मैंने सबके। थोड़ा बहुत इनमें टूटा भी है, लेकिन बाकी सारे पीसेस सही निकले सारे। और ये मैंने टेस्ट किया है, बहुत अच्छी बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सर्दियों में इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। चलें जी, हमारा साथ यहीं तक का था। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। हमारा साथ यहीं तक का था। अल्लाह हाफिज़। ये आप इस तरह से एक एयर टाइट जार के अंदर रख दें ताकि ना इसमें हवा ना जाए और ये ख़राब ना हो। ठीक है, मैंने तो जार में भर दिया क्योंकि ज़्यादा था मेरे पास क्वांटिटी में। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसमें रख दीजिएगा। ठीक है जी।